हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लीड मैग्नेट। हम लोग समझेंगे कि लीड मैग्नेट क्या होता है और कितने अलग अलग तरीके के लीड मैग्नेट हो सकते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं लीड कैप्चर करने के लिए। तो इस वीडियो के कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों का कमेंट था कि सर वो एसईओ की सीरीज जो चल रही थी क्या वो बंद हो गई। नहीं, वो सीरीज बंद नहीं हुई। सीरीज में आपको आगे भी, उसी सीरीज में आपको आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे। वो सीरीज अभी बंद नहीं हुई, ठीक है, या एसईओ में उतने ही टॉपिक्स नहीं है, और भी ज्यादा टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग आगे देखेंगे। मैं और भी ज्यादा वीडियोस उसमें डालूंगा उस पर्टिकुलर सीरीज में, तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये लीड मैग्नेट होता क्या है। देखो, जब कभी भी आप किसी का ईमेल लेना चाहते हैं, कोई भी यूजर जो आपकी वेबसाइट पे आता है या आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आता है, सपोज करते हैं आपकी ऐप के ऊपर ही आ रहा है और आप उसका ईमेल लेना चाहते हैं ताकि फर्दर आप उससे ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग आप कर सके, तो इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी सिंपल सा आप केवल उसको बॉक्स बना के दे देंगे, ठीक है, सिंपल सा आप उसको फॉर्म बना के दे देंगे और उससे आप उसका नाम और ईमेल एड्रेस मांगेंगे और वो अपना नाम और ईमेल एड्रेस आपको दे देगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। सपोज करो यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और उसे एक पॉपअप दिखता है और उस पॉपअप पे ऊपर लिखा होता है कि अगर आपको गूगल एड्स की चेकलिस्ट चाहिए फ्री में, ठीक है, या आपको कोई भी टॉपिक, मान लेते हैं गूगल एड्स मैंने एग्जांपल लिया, कोई भी टॉपिक है उसकी आपको चेकलिस्ट चाहिए फ्री में या उससे रिलेटेड आपको टिप्स चाहिए फ्री में, देन पुट योर ईमेल एड्रेस ओवर हेयर और वो जो है चेकलिस्ट वो आपको आपके ईमेल पे मिल जाएगी। दिस इज एक्चुअली द राइट वे और इसी तरीके से आप ईमेल्स कैप्चर कर सकते। तो अब आप सोचो, जब मैंने आपसे बताया कि भाई अगर कोई इस तरीके का पॉपअप खुलता है जहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपको गूगल एड्स की चेकलिस्ट चाहिए तो आप ये फॉर्म भरें, ठीक है, और यहां पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालें, हम चेकलिस्ट आपके ईमेल एड्रेस पे डिलीवर कर देंगे, ठीक है। अब बात आई ये चेकलिस्ट की। अब देखो, ये केवल नॉर्मल चेकलिस्ट नहीं है। आपको तो लग रहा है कि भाई ईमेल एड्रेस मुझे मिल गया, मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं है। यहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चेकलिस्ट में कैसा कंटेंट है, क्या वो उस टाइप का कंटेंट है कि आप उसके बेसिस पर फर्दर जो लीड है उसको नर्चर कर सकें। ऐसा तो नहीं है कि ये कंटेंट ही कोई वैल्यू ना रखता हो, चेकलिस्ट ही आपने बहुत बेकार सी बना दी, यही कोई वैल्यू नहीं रखता। अगर यही कोई वैल्यू नहीं रखता है तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो आपने पहला इंटरेक्शन किया यूजर से कंटेंट के फॉर्म में, जो आपने उसको कंटेंट दिया, अगर वो उस कंटेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो फर्दर आपके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा। रिलेशन इन द सेंस, कल को अगर आप उसे कुछ सेल्स की पिच करते हैं तो ये चांसेस कम हो जाएंगे कि भाई वो आपसे वो चीज खरीदे, अगर वो यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है। तो बात ये आपको समझ में आ रही है कि ये जो है, ये जो हमारा लीड मैग्नेट है जिसके थ्रू हमने यहाँ पर लीड कैप्चर करी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें किस टाइप का कंटेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या हो सकता है, मैंने तो एक एग्जाम्पल आपको बताया, क्या ये वर्ड के फॉर्म में होगा, क्या ये चेकलिस्ट वीडियो के फॉर्म में होगी, क्या ये चेकलिस्ट पीडीएफ के फॉर्म में होगी, किस तरीके से होगी, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वेबसाइट का और ऐप का, कि वेबसाइट पे जब कोई यूजर आता है तो उसे एक पॉपअप दिखता है, हमारे ऐप के ऊपर जब कोई यूजर आता है तो उसे एक पॉपअप दिखता है। क्या यही दो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम लीड जनरेशन कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम अपना लीड मैग्नेट वहां पर डाल के ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। देखो, टाइम टू टाइम जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स चेंज होते हैं वैसे वैसे आपको उनको यूज करना है। पहले फेसबुक बहुत पॉपुलर था, ऑर्गेनिक तरीके से भी आप वहां पर लीड मैग्नेट डाल के बहुत अच्छी लीड्स ला सकते थे। अभी फेसबुक के अपना लीड जनरेशन का ऐड है, ठीक है, ऐड ऑब्जेक्टिव है, तो आप वहां से जो है लीड जनरेट कर सकते हैं। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप हुए, तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डेवलप होते हैं उनको उसी तरीके से आपको यूज करना है, वहां पर उसी तरीके से आपको लीड मैग्नेट डालना है और वहां पर उसी तरीके से आपको ईमेल्स कलेक्ट करने। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, दो नहीं बल्कि तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। एक तो ये जो हम बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के को लेकर, कि किस टाइप के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें जो है लीड मैग्नेट को डालना है, किस टाइप के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम किस तरीके से लीड जनरेशन करेंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, आपकी सर्विस किस टाइप की, आपकी बिजनेस का नेचर किस टाइप का है, उसके हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है या आपके पास ऑडियंस कहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो प्लेटफॉर्म की बात हो गई। देन जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने आप में लीड मैग्नेट, ठीक है, कि लीड मैग्नेट किस टाइप का होगा, किस फॉर्मेट में लीड मैग्नेट होगा, हमारे लिए क्या बेस्ट है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बात किया डब्ल्यू एस क्यूबटेक का, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। डब्ल्यू एस क्यूबटेक आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ
हम ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर और डिफरेंट जितनी भी आईटी सर्विसेज हैं उनके ऊपर। तो हमारे लिए जो लीड मैग्नेट है वो वीडियोस ज़्यादा अच्छे लीड मैग्नेट से, क्यों? क्योंकि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और वीडियोस के थ्रू हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने बिजनेस के, मतलब हमारे बिजनेस के नेचर के हिसाब से वीडियोज़ परफेक्ट हैं एज अ लीड मैग्नेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप आपका जो लीड मैग्नेट है वो किस टाइप का होगा, किस फॉर्मेट का होगा और आपका बिजनेस का नेचर क्या है। तो आपका बिजनेस और लीड मैग्नेट थोड़े से अलाइंड होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या अलग अलग तरीके के लीड मैग्नेट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया ई बुक्स आप दे सकते हैं, चीट शीट दे सकते हैं, वाइट पेपर्स और केस स्टडीज दे सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं, ये भी जो है ट्रेनिंग ओरिएंटेड जो बिजनेसेस हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फ्री ट्रायल्स और सैंपल्स आप दे सकते हैं, ये होता है एक्चुअली अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोडक्ट है, इन दैट केस। ठीक है, आप फ्री कोट और कंसल्टेशन, क्विजेज और सेल्फ असेसमेंट्स, कूपन्स, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप लीड मैग्नेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। हम बात करते हैं कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की जो हमारे लिए लीड मैग्नेट बनाते हैं, यानी लीड मैग्नेट की प्रॉपर्टीज किस तरीके की होनी चाहिए, लीड मैग्नेट किस तरीके का होना चाहिए। सॉल्व्स अ रियल प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली कोई प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ठीक है, अगर कोई गूगल एड्स सीखना चाहता है तो आप उसको गूगल एड्स से रिलेटेड चेक लिस्ट देंगे, अगर कोई फेसबुक एड्स सीखना चाहता है तो आप उसे फेसबुक एड्स से रिलेटेड चेक लिस्ट देंगे, अगर कोई गूगल एनालिटिक्स सीखना चाहता है तो आप उसे गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड चेक लिस्ट देंगे। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाला होना चाहिए लीड मैग्नेट, या मैं एक लाइन में अगर कहूँ तो कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। सुपर स्पेसिफिक, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्विक टू डाइजेस्ट होना चाहिए, हाई वैल्यू जैसे है, इंस्टेंटली एक्सेसिबल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़। देखो आज आपने लीड मैग्नेट प्रोवाइड, मतलब आज आपने लीड कैप्चर कर ली, ठीक है, ईमेल ले लिया और जो आपको देना है, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल ई बुक आपको देनी वो आप डिलीवर कर रहे हो 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, इट्स नॉट लाइक दैट। लीड मैग्नेट तुरंत ही आपको देना है। देन डिमॉन्स्ट्रेट्स आर एक्सपर्टाइज, इसका मतलब देखो जैसे ये डिमॉन्स्ट्रेट आर एक्सपर्टाइज है ये वाली चीज़, सुपर स्पेसिफिक, इसका मतलब यही है कि जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, या जो हमारा बिजनेस की अगर हम बात करें, या तो हम प्रोडक्ट्स में होंगे या तो हम सर्विसेज में होंगे, तो जिस भी बिजनेस के लिए हम प्रोडक्ट और सर्विसेज में हैं, तो जो भी हमारी लीड है, लीड मैग्नेट है, वो एक्चुअली इनसे इंक्लाइंड होना चाहिए। ठीक है, मतलब आज जो आप इंफॉर्मेशन लीड मैग्नेट में दे रहे हो, आप जो आज वैल्यू लीड मैग्नेट के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट से और सर्विस से इंक्लाइंड होनी चाहिए, इनके साथ रिलेशन में होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं लीड मैग्नेट की, ये कुछ टाइप्स हैं लीड मैग्नेट के। ठीक है, इससे पहले वाली स्लाइड में हम लोगों ने कुछ टाइप्स लीड मैग्नेट के डिस्कस किए थे और हम लोगों ने समझा था कि लीड मैग्नेट एक्चुअली क्या होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।